गुड मॉर्निंग बच्चों। संधि में दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि के स्वर संधि के प्रकार हमने देखे थे पांच प्रकार, और उसके बाद व्यंजन संधि देखा था। तो आज हम विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे। देखिए बच्चों, विसर्ग संधि स्वर अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहा है यहाँ? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में उदाहरण देखिए बच्चों, स्वर अथवा व्यंजनम के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, उदाहरण निश्चय, नि प्लस चय, निश्चय। तो यहाँ क्या है? विसर्ग आया है नि के बाद, तो इसीलिए यहाँ परिवर्तन हुआ है निश्चय। मनोरथ, मन प्लस रथ, स्वर अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, तो यहाँ मन, मन प्लस रथ, मन का यहाँ मनोरथ यानी परिवर्तन, नो से परिवर्तन हुआ है मनोरथ। निष्कपट, नि प्लस कपट, निष्कपट, यह हुआ विसर्ग संधि। बच्चों यहाँ मैंने आपको इजी मेथड यानी किस तरह आपको समझ में आता है समझे आप पर यह मैंने बताया है। देखो बच्चों, जल्दी ही आप समझ जाएंगे। तो यह इम्पोर्टेंट संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या आ जाता है? आ, ई और ऊ, यह दीर्घ संधि है। एग्जाम्पल संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय, आया है। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। गुण संधि, गुण संधि में क्या आता है? ए और ओ। गणेश, गण प्लस ईश, गणेश। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, तो परम प्लस ई आया है, तो ओ के बाद ई आया तो ए हो जाता है परमेश्वर। परोपकार प्लस पर प्लस उपकार, पर र, ओ के बाद क्या आया है? उ आया है, तो वहां ओ हो जाता है परोपकार। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा, महा के बाद उ आया है, तो क्या है वहां ओ हो जाता है। तो गुण संधि में ए और ओ आ जाते हैं। नेक्स्ट वृद्धि संधि में आई और औ आता है। आई और औ, एक एक, एक प्लस एक, एक एक, आई आया है। सदैव, सदा प्लस एव, सदैव, आई आया है। दंतौष्ट, दंत प्लस औष्ट, औ दंतौष्ट। परमौषध, परम प्लस औषध, परमौषध, आई और औ आता है। नेक्स्ट यन संधि, यन संधि में क्या हो जाता है? तो यहाँ संयुक्ताक्षर शब्द आ जाते हैं यन संधि में। उदाहरण मन्वंतर, इत्यादि, स्वागत, पितृपदेश, यह सब संयुक्ताक्षर है। त्व, न और त्र, इस तरह संयुक्ताक्षर यण संधि में आ जाते हैं। नेक्स्ट अयादि संधि, अयादि संधि में क्या है? मध्य अक्षर य अथवा व से संबंधित रहता है। तो मध्य अक्षर कौन सा? नयन, तो यहाँ य आया है। गायिका, य आया है। भवन,
यहाँ मध्य अक्षर य अथवा व से संबंधित है। देखिए बच्चों, दीर्घ स्वर आ ई ऊ गुण में ए और ओ आता है, वृद्धि में आई और औ आता है, तो यण संधि में संयुक्त अक्षर आते हैं, तो अयादि संधि में मध्य अक्षर य और व आता है। अच्छा बच्चों, आज हमने संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, तो आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। देखिए बच्चों, यह जो है एग्जाम के लिए आपको चूज द करेक्ट आंसर में पूछते हैं एक मार्क्स के लिए, फिर भी आपको क्या है सब संधि किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने हैं, वो सब आपको देखना है बच्चों। समझ में आया? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों।